अगली खबर आ रही है भोपाल से, जहां भोपाल में चल रही अग्निवीर सेना भर्ती रैली में शामिल होने आए युवक को सेना के अफसरों ने संदिग्ध मानकर पकड़ लिया। दावा किया कि युवक रैली का वीडियो बनाने के साथ ही अभ्यर्थियों से सिलेक्शन के बदले 25,000 रुपए मांग रहा था। कहा गया कि तलाशी और उसके सामान की जांच में युवक के पाकिस्तान से कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं, साथ ही ड्रग तस्करी से जुड़े होने की भी आशंका है। शक है कि युवक अभ्यर्थियों को ड्रग सप्लाई कर रहा था, उसे जहांगीराबाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। वहीं पुलिस ने उसे निर्दोष बताया है। पुलिस का कहना है कि उसके पास संदिग्ध चीज नहीं मिली है। युवक की पहचान बैरागढ़ के रहने वाले मनीष मेवाड़ा के रूप में हुई है। जहांगीराबाद थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि पूछताछ में पता चला है कि मनीष का चचेरा भाई 29 अक्टूबर को मोतीलाल नेहरू ग्राउंड में चल रही भर्ती रैली में शामिल होने आया था। उसकी दौड़ देखने के लिए मनीष भी साथ आ गया। वह दौड़ देख रहा था, तभी सब होने पर उसे पकड़ लिया। अधिकारियों ने दावा कर दिया कि युवक भर्ती के दौरान वीडियो बना रहा था, जबकि मनीष खुद भर्ती में शामिल होने वाला अभ्यर्थी है। उसकी सोमवार को परीक्षा है। इससे पहले मिलिट्री ने उसे संदिग्ध मानकर पकड़ लिया। टीआई वीरेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि मिलिट्री ने मनीष को पुलिस को सौंपा है। हर स्तर पर पुलिस जांच कर चुकी है, उस पर अपराध नहीं बनता। वह खुद अग्निवीर का अभ्यर्थी है। सेना रैली का नेतृत्व कर रहे कर्नल एस बकुंडी से उनका पक्ष जानने के लिए फोन किया गया, लेकिन उन्होंने रिसीव नहीं किया। भर्ती में मीडिया का प्रवेश भी रोका गया है। 27 अक्टूबर से शुरू हुई अग्निवीर भर्ती 7 नवंबर तक चलेगी। इनमें भोपाल समेत 9 जिलों के युवा शामिल होंगे। भर्ती में भोपाल, बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, हरदा, राजगढ़, रायसेन, सीहोर और विदिशा के युवा भाग ले सकते हैं। इन जिलों के अलावा अन्य किसी जिले के युवाओं को भर्ती में मौका नहीं मिलेगा। भोपाल के साथ ही 8 जिलों के प्रत्याशियों को अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर तकनीकी, अग्निवीर क्लर्क, अग्निवीर स्टोर कीपर और अग्निवीर ट्रेडमैन के लिए चयनित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने 14 जून को सेना की तीनों शाखाओं थल सेना, नौसेना और वायु सेना में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निवीर भर्ती योजना शुरू की थी। स्कीम का उद्देश्य सेना की औसत उम्र को कम करना है। इसमें ज्यादा से ज्यादा युवाओं को शामिल करना है। स्कीम के लिए पात्र होने की आयु सीमा 17 से 21 साल है। 10वीं और 12वीं पास युवा अप्लाई कर सकते हैं। स्कीम के तहत नौजवानों को सिर्फ 4 साल के लिए डिफेंस फोर्स में सेवा देनी होगी।